हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. गुड इवनिंग टू एवरीवन. सो हम लोग कर रहे हैं जीसी लियोंग की सीरीज फिजिकल ज्योग्राफी, और उसमें अपना टॉपिक है साइक्लोन के बारे में. कैसे, क्या सब क्या होता है साइक्लोन का वाला पैटर्न, वो सब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. वंस लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्रॉपरली. ऑडिबल विजिबल सबको अच्छे से हो रहा है. सो गाइस, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एन अकेडमी की तरफ से आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि जब तक प्रैक्टिस कर सकते हो, जब तक आप क्रैक नहीं करते हो, 30,000 वर्थ की टेस्ट सीरीज आप लोगों को 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. 30 जून तक वैलिड रहेगा. एंड अनुष्का, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग पूर्णिमा, सोजन, गुड इवनिंग गाइज. लेट मी नो कि ऑडिबल सही आ रहा है सबको. परफेक्ट है, चलो फिर तो ग्रेट है. आप लोगों को 35% ऑफ मिलता है. 35% सेव कर सकते हो सब्सक्रिप्शन पे, 10% यूजिंग स्टडी आईएएस कोड. तो आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो यूज स्टडी आईएएस कोड को कर लीजिएगा. मास सब्सक्रिप्शन ऑफर है, मेंस तक वैलिड रहते हैं 3-4 महीने. यू गॉट द एक्स्ट्रा मंथ आपको मिलते हैं यूजिंग स्टडी आई कोड. आप लोग आईएएस कोड, यू विल सेव लॉट्स मोर. आप अच्छा खासा सेव कर सकोगे. बेस्ट प्रोग्राम है यूपीएससी को क्रैक करने का. अच्छे से आप मेंटरशिप आपको मिलती है, साथ में अल्टीमेट सरप्राइज आपको मिल रहा है. 20 बुक्स 10,000 वर्थ की मिलती हैं आपको. लोन भी ले सकते हैं. तो एक फैसिलिटी ये भी है कि लोन की फैसिलिटी भी है, 0% इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस की. स्कॉलरशिप टेस्ट कल सुबह 11 बजे होने वाला है. एंड कुछ बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 30th of June से 1 ईयर 2 ईयर, आप इन्हें देख सकते हो. एंड ये सब आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं. ठीक है, तो यूजिंग स्टडी आईएएस कोड, जस्ट यूज कोड स्टडी आईएएस कोड एंड यू विल गेट 10% ऑफ आपको मिल जाएगा. हाय विशाल, ऑडिबल विजिबल, ओके फाइन. हाय सिमरन, गुड इवनिंग. अनुष्का, गुड इवनिंग. चलिए भाई, करते हैं अपनी सीरीज को स्टार्ट. और हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में साइक्लोन के बारे में. अभी आपको पता है कि इंडिया की तरफ भी साइक्लोन आए है ना, तो उस सब के बारे में देखते हैं. सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं. क्यों आते हैं ट्रॉपिकल रीजन में? ज़्यादातर तो जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली बात है वो अपना ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, क्योंकि जो सन की रेज आ रही है ना भाई, वो ट्रॉपिकल में ही आ रही है. आपको एक बार याद हो, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया था तब ये चीज़ बताई थी, गुड इवनिंग प्रांशु, कि अगर ये अर्थ है तो इसके इस जोन में अगर सन की रेज आ रही है, इसे आप लोग ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे हो. इसी ऊपर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि ट्रॉपिकल का सोलिस्टिस का मतलब ही ये होता है कि वो वहीं तक उसकी मैक्सिमम रीच तक पहुंच रही है. यानी कि जब रेस अपनी मैक्सिमम रीच तक पहुंचे, अपनी मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचे, तो उसे सोलिस्टिस बोलते हैं. इसीलिए आप इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हो. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन हम लोग इसे बोल रहे हैं. साइक्लोन में भी ये चीज़ होता है, हमें ना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सन की लाइट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें इस ट्रॉपिकल रीजन में मिल जा रही है. अब दो कंसेप्ट याद रखिएगा हमेशा. एक बार देखो कि जो लो प्रेशर है, अगर लो प्रेशर बना हुआ है, यानी कि हाई टेम्परेचर आपके अर्थ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो लो प्रेशर है, तो हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है. हमेशा एक चीज याद रखना, हाँ जी, ट्रॉपिकल रीजन पे. वेलकम जे जे राजवीर और हुज केयर. जब लो प्रेशर है या हाई टेम्परेचर है या फिर गर्मी हो रखी है, समर हो रही है, तो हमेशा इवेपोरेट होगी हवा, ऊपर की तरफ एसेंड करेगी. इसको हम लोग बोलते हैं एसेंड करती है, ऊपर जाएगी तो रास्ते में से वाटर ड्रॉप्स लेगी. अगर वो समुंदर के ऊपर से होगी तो इसके अंदर मतलब अच्छा खासा पानी की मात्रा हो जाएगी, जिससे वो हवा हैवी हो जाएगी, भर जाएगी. भरने से क्या मतलब है? पानी की बूंदें उसके अंदर वाटर ड्रॉप्स ही कैच कर लेगी. एंड जब ये चीज ऊपर चली जाएगी, ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे जाके कूल हो रही है, कूल हो रही है तो हाई प्रेशर हो रहा है, हाई प्रेशर, या हम बोल रहे हैं लो टेम्परेचर हो रहा है. एक लाइन और हमने यहाँ से सीख ली कि रेज जब ऊपर जाती हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, एल्टीट्यूड के साथ ठंडी हो जाती है. आज मैंने आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर कराए अनअकैडमी पे, उसमें एक ये लाइन भी थी कि क्या हवा ऊपर जाने के साथ हमेशा ठंडी हो जाती है? तो इट्स आंसर इज यस. लोअर एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर तक पहुंचते पहुंचते हमेशा रेज आपकी जो है वो कूल यहाँ पे हो जाती है, तो इस रीजन पे पहुंचेगी, ठंडी हो जाएंगी. एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लाउड्स. अब क्या बना रही है? क्लाउड्स बना रही है.
क्योंकि इनकी आरएच हो गई है 0%, एएच हो गई है 100%, पूरी तरीके से वो बॉक्स जो है वो भर चुका है, जिसके चलते वो क्लाउड्स बना रही है। नाउ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लाउड्स बन गई, सारे काम हो गए, क्लाउड्स बन गए हैं तो अब ये चीज़ भारी हो गई है ना, कूल हो गई है, हैवी हो गई है, डेफिनेटली डिसेंड करेगी। डिसेंड से मतलब है कि वो हवा नीचे की तरफ आ जाएगी। नीचे की तरफ आएगी किस फॉर्म में आएगी, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में आएगी, कहने का मतलब रेन हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर होती है? वेलकम नीरज। हाँ जी, तो ये रेज ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, जिससे आपके एटमॉस्फेयर का पूरा जो एनवायरनमेंट का जो एक टेम्परेचर है अपने एटमॉस्फेयर का, वो एक मॉडरेट हो गया, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वो एक लाइन जो थी ना अपनी, कि भाई ये जो हवाएं होती है, विंड होती है, वो अपनी पूरी अर्थ का टेम्परेचर एक नॉर्मल करके रखती है। तो यस, इट्स आंसर इज यस। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, जब इनका बहाव बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, और एक बहुत बड़े एरिया में हो, एक लार्ज एरिया में हो, और इनका बहाव बहुत तेज, यानी कि हवाएं बहुत तेज से हो जाएं, पानी बहुत ज्यादा हो जाए, क्लाउड्स बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होने लगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्लाउड्स ही क्लाउड्स बन गए, यहाँ पे लार्ज एरिया है, सर्कुलेशन बढ़िया सा हो जाए, यानी कि सर्कुलेशन का मतलब कैसे है कि यहाँ से ऊपर हवा जाए, ऊपर हवा जाए, ऊपर जाके क्लाउड्स उसने बना दिए और जल्दी से नीचे आ गई, या फिर सुनो एक बार, नीचे आई किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में आ गई। इतना ये हवा यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, ध्यान से सुनना एक पॉइंट, यहाँ से समझ लिया तो साइक्लोन आ जाएगा समझ में। जब ये हवा ऊपर गई, मान लीजिए ए पॉइंट है, वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, खाली हो गई, तो आसपास वाली जो हवा होगी, उसकी सराउंड में जो एरिया होगी, जो हवा होगी, ऑल्दो वो वहां पे ठंडी थी, कूल थी, लेकिन वो भी आप सर्कुलेट करती करती यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि वो जो पोर्शन है उसको खाली नहीं रहने देंगी, उस एरिया में फिर से आ जाएंगे और वो इस तरीके से कुछ सर्कुलेट करेंगे। बात आई सबको समझ में? व्हाट आई मीन टू से, कहने का मतलब ये है, अरे जब हवा यहाँ से ए ऊपर गई, जा रही है, जाने दो, ए ऊपर जाने के बाद यहाँ वाला एरिया खाली हो गया, ये ब्लैंक स्पेस हो गया, आसपास की जो एयर होगी वो इस एरिया को घेरने लगेगी, सिमिलरली वो भी वार्म हो जाएगी, देन दैट ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग, बी भी आ गई ऊपर की तरफ, फिर ऐसे करके सी भी आ गई, सी भी ऊपर ऊपर जाने लगी, ऊपर जाके बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाउड्स बन गए, हैवी, और कौन से क्लाउड्स बन गए भाई, निम्बस क्लाउड बन गए, कौन से बन गए, निम्बस, जो काले हैं, ब्लैक हैं, जो ग्रे हैं, एंड वुल लाइक शेप में है, और एक्चुअली में नियर टू सरफेस हैं, वो लाएंगे बहुत तेज बारिश, फिर क्या होगा, क्योंकि ये हवा इतनी जल्दी जल्दी यहाँ सर्कुलेट हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, हवा जो चल रही है वो बहुत ही तेजी से चल रही है ना, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसके चलते हवा राइज कर ही रही है, क्लाउड्स भी बन रहे हैं, और इतना जब ये एरिया सर्कुलेट कर रही है हवा, तो ऑब्वियसली इसको एक बड़ा एरिया भी चाहिए, यानी कि एक लार्ज एरिया इसको सर्कुलेट होने के लिए भी चाहिएगा। सो क्लाउड्स भी हैं, लार्ज एरिया भी है, टेम्परेचर भी है, तो ये चीज़ है। अब एक बात ये बताओ, ऑब्वियसली यहाँ पे साइक्लोन आएंगे, नो डाउट साइक्लोन आएंगे। नाउ लेट मी नो वन थिंग, एक इस पॉइंट पे सर्कुलेशन हो रहा है हवा का, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर, और मैंने आपसे ये चीज़ बोली कि भाई साइड की जो यहाँ बी है, ये ए थी, हवा सर्कुलेट कर रही है, बी है, सी है, वे हवा एक टाइम के बाद ए वाले पोर्शन पे आ जाएगी। नाउ एक पॉइंट ये बताइए, ए वाली जगह पे तो लो प्रेशर है, क्या इस समय जो बी जहाँ पर है यहाँ है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होगा? जितनी दूर जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे, सी है, सी पे क्या हाई प्रेशर नहीं होगा, येस और नॉट? होगा, इसके कंपैरिजन में तो होगा ना, इस वाली के कंपैरिजन में तो होगा, चाहे बहुत ज्यादा ना हो। वेलकम,
ठीक है ना, आई जस्ट मीन टू से कि अगर ए वाले पॉइंट पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बी और सी पे कितना होगा, कितना होगा, थोड़ा ठंडक वाली जगह होगी, ठंडक वाली जगह होगी, मतलब ये लगा लीजिए 22 लगा लो एक बार, और इसमें थोड़ा और दूर आप लोग 18 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर लगा लो। इस पॉइंट से हम लोग एक एक लाइन समझेंगे, एक लाइन समझेंगे कि जो सेंट्रल एरिया है या जहाँ पे आई डेवलप हो रही है, आई से क्या मतलब है, जब हवाएं ऐसे सर्कुलेट करेंगी तो ये आई बन जाएगी, दिस इज नोन एज अ आई, उसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जहाँ पे वो सर्कुलेट कर रहा है वो उसकी आई बन जाएगी। तो जो आई डेवलप कर रही है वहाँ पे लो प्रेशर है, और उसके साइड वाले एरिया में, उसके सराउंडिंग में हाई प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये वाली लाइन करा रही हूँ, ठीक है? यहाँ 27 है। अब धीरे धीरे जब इस एरिया में आएगा इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और फिर एयर का सर्कुलेशन कैसे चलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा, बड़ा एरिया चाहिएगा। अब कंडीशन क्या क्या है एक साइक्लोन बनने के लिए? लार्ज एरिया चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए। साथ में आपकी जो हैवी क्लाउड्स होने चाहिए, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, राइट? और क्लाउड्स के साथ अच्छी खासी रेन होनी चाहिए, तब जाके आपका साइक्लोन आने की कंडीशन होती है। हवाएं बहुत तेज होनी चाहिए, उसका प्रेशर बहुत फास्ट होना चाहिए। दूसरी बात, एक और लाइन में लिख रही हूँ, आप बता देना कि ऑल साइक्लोन डेवलप्स एन आई, ऑल साइक्लोन डेवलप्स एन आई, ये लाइन सही है क्या? वेलकम मिस्टर, इट इज़ अ ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल साइक्लोन डेवलप एन आई, डेफिनेटली ये चीज़ गलत होगी। हर साइक्लोन आई डेवलप नहीं करता, होता है जिसमें ज़्यादा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होंगे वे आई डेवलप करते हैं, जैसे आप मान लो विली विली वाले होंगे, या टाइफून्स वाले कह लो, आप चाइना की तरफ वाले कह लो, उस तरफ वाले होंगे तो इतनी ज़्यादा आई डेवलप नहीं करेंगे, डेफिनेटली इट इज़ फॉल्स, ठीक है? अगर मैं ये कह दूँ वार्म टेम्परेचर नियर द आई, वार्म टेम्परेचर नियर द आई एंड एक्सट्रीम वार्म टेम्परेचर अवे द आई, ये भाई ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज एक्सट्रीम वार्म नहीं होता, वहाँ पे भी आपका कूल टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ 27 है तो जितनी दूर जाओगे 22 हो गया, और दूर गए तो 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? तो वो वाली स्टेटमेंट भी आपकी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। अब आइए आगे की चीज़ पे, आगे की चीज़ पे, ये देखो हमने ये विंड्स पढ़ी थी, ये विंड्स पढ़ी थी, ये देखो कि ये है इक्वेटर, इक्वेटर में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आते हैं इनको तो आप लोग जाने दीजिए। जब ये विंड्स यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी ड्यू टू हैविंग अ कोरियोलिस फोर्स। अब आप लोग कोरियोलिस फोर्स का कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या होती है कोरियोलिस फोर्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, इस दिस इमेज देखो आप। कोरियोलिस फोर्स एक फोर्स होती है कि जैसे जब कोई चीज़ घूम रही है तो आप उस पर कुछ सर्कल बना रहे हो, कोई हवाएं चल रही हैं तो कभी सीधी नहीं चलेंगी। यहाँ पे ये जो बॉल फेंकी जा रही है वो कभी भी सीधी नहीं जा रही, देखो टेढ़ी जाएगी, हमेशा टेढ़ी जाएगी, कभी सीधी नहीं जा रही, राइट? तो आई जस्ट मीन टू से अ थिंग कि जब कोई चीज़ सर्कुलेट हो रही है, घूम रही है, आप कुछ घुमा रहे हो तो वो सीधी नहीं जा रही है। अब यहाँ पर देखिए अर्थ भी तो घूम रही है, जब ये इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे जीरो कोरियोलिस हो जाती है। जब ऊपर चलते जा रहे हो, ऊपर चलते जा रहे हो, यानी कि यहाँ तक आप आ गए, 23 डिग्री है अपना इंडिया के कैंसर के वाली रीजन, गुड आफ्टरनून अंकित, तो वहाँ तक जब आएंगे तो हवा अपना रुख बदल लेगी और कुछ इधर ऐसे टर्न करने लगेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा इनका मूवमेंट हो जाएगा। नीचे से हवाएं आई थी, मॉनसून क्रिएट करेंगी। अब क्योंकि ये हवाएं बे ऑफ बंगाल में इतना लंबा सफ़र तय कर रही हैं, जैसे देखो
जैसे एग्जाम्पल ये लीजिए, ये है इक्वेटर और ये है अपना प्यारा भारत, ऐसे है। यहाँ से जो हवाएं ऐसे आ गई, इसने थोड़ा ही एरिया कवर किया और अरेबियन सी में कुछ ही पानी कैच करेंगी, सीधा एंट्री कर जाएंगी और भारी वर्षा कर देंगी। ठीक है, पहली बात, एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो लार्ज एरिया वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो यहाँ पे साइक्लोन आपको कम देखने को मिलते हैं, साइक्लोन बहुत ही कम आते हैं। लेकिन 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 जब हवाएं ऐसे जा रही हैं, इधर ऐसे निकल के जा रही हैं, ये देखिए कितना लंबा सफ़र तय किया, ये कितनी सारी एरोज लग गई, कितना सारा लंबा सफ़र तय किया, बे ऑफ बंगाल भी कितना बड़ा हो गया, और इतना बड़ा एरिया है वो काफ़ी इंडियन ओशन से भी कनेक्टेड है, कुछ इस वजह से और कुछ पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर पानी बहुत ज़्यादा रिवर्स आ रही है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको साइक्लोन यही डेवलप होते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी कि साइक्लोन आपके यहाँ डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए कि जो ओडिशा है, कि भाई सबसे पहले साइक्लोन आता है तो इस वाले पोर्शन में ही इम्पैक्ट करता है ना। हाँ जी 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 सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, स्टडी आइस के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएंगी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी एक बात है कि सारी जो ओडिशा में है, सबसे पहले हमें उस पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कारण ये है कि भाई जो ईस्टर्न घाट हैं आपके, ईस्टर्न घाट है, हाँ वही वही उधर की तरफ ही, जो ईस्टर्न घाट है वो कुछ ना कुछ आपके रेसिडुअल माउंटेन कहलाते हैं। कौन से माउंटेन कहलाते हैं? रेसिडुअल कहलाते हैं। एक कंसेप्ट आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो ये देखो, थोड़ा सा आइडिया मैं अभी फिलहाल आप लोगों को दे दे रही हूँ उसका, कि अपना जो पहले भारत था उसकी शेप कुछ ऐसे हुआ करती थी, ऐसे हुआ करती थी। ठीक है, थोड़ी सी और इधर ऐसे कर लो, बस ऐसे हुआ करती थी। अब हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जो द्वारकापुरी है वो समुन्द्र में समा गई है ना, गुजरात के अंदर अंदर जो द्वारकापुरी थी, हम ये कहते हैं कि भाई वो समुन्द्र के अंदर समा गई। एक्चुअली में हुआ क्या था, थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, कि जो अपना वेस्टर्न घाट है वो पहले कुछ ऐसे हुआ करता था, समथिंग लाइक ऐसे हुआ करता था, और जो ये पोर्शन है, जैसे ही हमारी इंडिया की प्लेट यूरेशिया से टकराई तो वेस्टर्न पॉइंट, क्योंकि वो वहाँ पे ज्वालामुखी इरप्ट हो ही रही थी तभी, उसकी वजह से, रीयूनियन की वजह से, तो वो हिस्सा ना टूट गया था। क्या हो गया था? टूट गया था, और टूटते टूटेगा तो वो कुछ ऐसे करके टूटा था, लाइक ऐसे, जैसे आप लोग एक बिस्किट को तोड़ेंगे तो बिस्किट को जब तोड़ेंगे तो दोनों हिस्से ऊपर की तरफ हो जाएंगे, यानी कि एक चीज ऐसे है, तोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसा वाला पोज हो जाएगा। ये जो एरिया गिरा ना, ये समुन्द्र में समा गया, जिसको आप लोग आज नाम दे रहे हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, व्हाट वी आर कॉलिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और ये जो हिस्सा था, यानी कि वेस्टर्न घाट, कुछ ऐसे है, ऐसे है, इधर ऊंचाई पे है, तो जो रेज आ रही है, जो नदियां आ रही हैं, वो भी कुछ ऐसे करके इसीलिए ही आ रही है, ऊपर उठने की वजह से, ऐसे वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, मोर हो गई। और जब कोई स्लोप ऐसे है, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, तो जब नदियां ऐसे आएंगी और ऊपर से ये रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल का समझते हो कि बहुत पुराने, अब इरोड होने के समय पे वो काम कर रहे हैं, है ना। हाँ जी अंकित, इरोड होने का काम कर रहे हैं, तो जब इतनी नदियां यहाँ से फ्लो करेंगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, मैदान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मैदान या प्लेन वाला रीजन यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा, इस जोन में प्लेन एरिया मिल जाएगा, जिसकी वजह से जब साइक्लोन आएगा, इधर साइक्लोन जो डेवलप होंगे वो सीधा यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि लोग बिल्कुल यहाँ पर ही रह रहे हैं, बिल्कुल इस रीजन पे रह रहे हैं, कुछ खाली जगह नहीं है, साइक्लोन आएगा तो सीधा लोगों के घरों से ही टकराएगा, कोई बीच वाली जगह नहीं है। ठीक है, आप लोग बीच देखते हो, मुंबई बीच है, मुंबई बीच है, हम गोवा बीच कह रहे हैं, हम लोग तमिलनाडु बीच क्यों नहीं कह रहे, आंध्र प्रदेश का बीच क्यों नहीं कह रहे, वाई वी आर नॉट कॉलिंग देयर, क्यों नहीं बोल रहे? रीजन ये है कि एक्चुअली में जो बीच की बात हो रही है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। आज जो इंडिया हमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये सारा पोर्शन गिर के पानी में गिर गया है, और इट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
अब इसकी वजह से साइक्लोन आएगा तो सीधा इम्पैक्ट नहीं करेगा, पहले एक थोड़ा सा बाउंड्री सी, इतनी काफी चौड़ाई वाली जगह है, पहले वहीं पे इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद मुंबई और ये क्या कहते हैं कर्नाटक, गोवा, उस केरला उस तरफ इम्पैक्ट करना स्टार्ट करेगा। दूसरी बात, इधर इतनी ज्यादा स्पीड से साइक्लोन बनते भी नहीं है। अब जब इधर आ रहे हैं, इधर सीधा इम्पैक्ट हो रहा है सीधा, ठीक है, तो आप लोगों को जितने शिप पोर्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, शिप पोर्ट इधर मिल रहे हैं हमें। क्यों क्यों दिख रहे हैं? रीजन ये है कि इधर हमने बीच हो जाते हैं तो बहुत लंबा एरिया बन जाता है, इधर डायरेक्टली पोर्ट जो है वो कॉन्टिनेंट या जगह से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अरे वो नीचे की तरफ आ जाता है, वो इधर की तरफ आ जाता है, तो एक वो चीज है, आप लोग थोड़ा उन चीजों को कंसेप्ट में याद करें। अब साइक्लोन आएंगे तो सीधा इम्पैक्ट करेंगे इस एरिया में, और पानी का फ्लो हाई है, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो है, उन सब की वजह से साइक्लोन का सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। कोरियोलिस समझ गई, कोरियोलिस की एक और इस इमेज से और प्रॉपरली आप लोग समझ जाइए। देखो जब अर्थ घूम रही है तो ये सीधी आने की कोशिश कर रही थी बट टेढ़ी हो गई, सिमिलरली ये इधर से भी टेढ़ी हो गई, ये इधर से भी टेढ़ी हो गई, आने सीधी कोशिश कर रही थी, वही अपनी कोरियोलिस फोर्स होती है। अब नई एक चीज आती है भाई, एक चीज आती है एयर मास। एयर मास, एयर मास ये होता है कि एक सरफेस पे, मान लो एक ये जगह है, इस पे एक वायु है, यहाँ पे मान लो ए वायु है, और ए वायु है यहाँ पे, मान लो ए प्रेशर है इधर की तरफ और इधर ए जैसा ही टेम्परेचर है, ए ही सब कुछ है, तो सारे ए को मिलाने वाली एक लाइन, एक तरीके से एक जैसी हवा, एक जैसी वायु, एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा प्रेशर, ये सारी चीज जब मिल जाती है ना, सारी कुछ एक ही जैसा हो, तो उसे आप लोग बोलते हो एयर मास। क्या बोलते हो? एयर मास, यानी कि एक एरिया में सेम प्रेशर होगा, सेम टेम्परेचर होगा, सेम वायु होगी, सेम उसका हाई और फास्ट स्पीड होगी, जब वो मिल जाती है तो आप उसे एयर मास बोलते हो। एयर मास को हिंदी में हम बोल रहे हैं वायु राशि। क्या बोलते हैं? वायु राशि, यानी कि एक जैसी राशि की होंगी तो आप लोग उसे वायु राशि बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एयर की प्रॉपर्टी हर जगह सेम हो तो उसे आप लोग एयर मास बोलते हो। क्या बोलते हैं? एयर मास बोलते हैं। अब एयर मास ना भाई दो तरीके का हो सकता है, एक होते हैं मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी कि नमी वाली जगह होगी जहां पे नमी होगी, और एक होगी ड्राई, जहां पे सूखापन होगा, ड्राई चैनल होगा। राइट और नॉट? राइट और नॉट गाइस, क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर हो रही है चीजें? एवरीवन लेट मी नो। अंकित, आप कह रहे हो कि साइक्लोन जो है वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से बनते हैं। टेम्परेचर डाउन एक्चुअली में आपको फील होता है, हमें ये फील होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है जहाँ पे, मान लो आप लोग यहाँ रह रहे हो, एग्जाम्पल आप लोग सॉरी ये देखो आप रह रहे हो यहाँ पे, सारा जो साइक्लोन वाला काम चल रहा है वो चल तो यहाँ पे रहा है, और 27 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर नहीं है, 44-45 तक का टेम्परेचर होता है गर्म, तो 27 नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मोर देन 20 के ऊपर का होना चाहिए, तो आप उसे वार्म टेम्परेचर का नाम दे रहे हो। और दूसरी बात, जब इतनी तेज बारिश हो रही होती है, इतनी हवाएं चल रही होती हैं, जो बंदा यहाँ पे रहता है उसे तो ठंडक लगती है, उसे कूल एरिया लगेगा, और 27 है भी कूल, कोई ज्यादा गर्म नहीं है, तो ये मत कहना भाई ठंडा टेम्परेचर होगा या कूल टेम्परेचर होगा, ठंड होगी तब साइक्लोन बनेंगे, तब नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके लिए एक्चुअली में चाहिएगा 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिएगा, थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर ही अपना हो जाता है। गाइज अगर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब कमिंग टू द क्वेश्चन, कि जो एयर मास होता है वो होता है दो तरीके का, वन इज ऑफ मॉइस्ट एंड अदर वन इज ऑफ ड्राई, ठीक है। अब ये एरिया ना, ये चीज़ की कब वो मॉइस्ट है कब वो चीज़ है, तो वहाँ के एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके सोर्स पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि मान लो जो टेम्परेट रीजन है
मान लीजिए मेडिटेरेनियन की तरफ वाला रीजन है, वहां पे इतनी ज्यादा इवोपरेशन हो ही नहीं रहा है ना, हवा एक जैसी चल ही नहीं रही है, एक जैसी तो हो नहीं रही है, तो वहां पे साइक्लोन भी नहीं आते हैं, साइक्लोन नहीं आते, अलग अलग चीजें हैं। तो वहां पे जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, जो एयर मास मिलेगा वो ड्राई मिलेगा। या बात करो कि डेजर्ट वाले एरिया की, डेजर्ट में क्या होगा कि एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा, अगर 45 है तो 45 मिलेगा, और प्रेशर भी आपको अगर लो प्रेशर है तो वो वहीं पे उतना ही मिलेगा, तो वो ड्राई हो जाएगा। मॉइस्ट कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे हवाएं पानी लेके जा रही हैं, जहाँ पे नमी कैच हो रही है, जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, वो मॉइस्ट आपका कहलाया जाएगा। अब दो चीज़ सुनिएगा, एयर मास स्टेबल और अनस्टेबल दोनों हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक ये हवाएं हैं भाई, ये हवाएं हैं, मान लो वार्म एयर है, ठीक है, वार्म एयर है, और ये दूसरी हवाएं हैं, ये है कूल एयर है, ठीक है, ये है कूल एयर या ठंडी एयर या ठंडा एयर मास बोल दे रही हूँ मैं इसको, और इसको मैं वार्म एयर मास बोल दे रही हूँ। फाइन, इस चीज में ध्यान से दो कंसेप्ट जो आपको समझ लेना है, यहाँ पे क्या होगा, अगर वार्म एयर मास ये एक्टिव है, ये काम कर रहा है, अगर ये एक्टिव है और ये स्टेबल है, कहने का मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में है, ज्यादातर चांस होंगे ट्रॉपिकल रीजन के, तो क्या होगा, वार्म एयर मास है, सन की रेज आ रही है ना, तो गर्म हवाएं तो ऊपर तो उठनी है, इसका स्वभाव है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी, ऐसे जा रही ऊपर, जाने दो इसे ऊपर, ऐसे जब ये ऊपर जाएगी किसी ना किसी लेन पे जाएगी, जा रही है ऊपर जाएगी, क्लाउड्स बनाएंगे, यहाँ पे बहुत ही घने क्लाउड जो है वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा क्लाउड्स, ये ना एक फ्रंट जनरेट कर देगी, ऐसे करके एक फ्रंट जनरेट कर देगी, यानी कि डिस्टिंक्शन सा हो जाएगा वार्म एयर में और कूल एयर में, एक थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस सा देखने लगोगे, एक डिस्टिंक्शन हो जाएगा, फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। इस फ्रंट को आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग इसे, वार्म एयर करंट, वार्म करंट या वार्म फ्रंट आप लोग इसे बोलेंगे। आई बस समझ में? गुड आफ्टरनून देवेंद्र। तो आप लोग इसे क्या बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, वार्म फ्रंट बन जाएगा। जो भी हवा ऊपर उठ रही है, वार्म उठ रही है तो वार्म, ठंडी उठ रही है तो ठंडी, जो भी हवा ऊपर उठ रही है वो उसी नाम का फ्रंट जो है वो बन जाएगा। अब हम इसे बोल सकेंगे वार्म फ्रंट, क्योंकि वार्म एयर एक्टिव थी, ट्रॉपिकल रीजन था, इवेपोरेट हुई, ऊपर उठी, क्लाउड बन गए, इधर अपनी कूल एयर है, ये आपकी काम नहीं कर रही, स्टेबल है अभी और ये अनस्टेबल है। तो एक चीज याद रखना, जब फ्रंट बन रहा है उस समय एयर मास अनस्टेबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल, यानी कि ये वाला एयर मास अनस्टेबल हो रहा है। इतना बात समझ में आती है? इतनी बात सबको समझ में आती है भाई, बताइए एक बार। ये वार्म एयर थी, एक्टिव थी, ये कूल एयर थी, इनएक्टिव थी, चल रही है ये, लेकिन वार्म एयर एक्टिव थी तो ऊपर की तरफ उठी, क्लाउड्स बने, हेवी क्लाउड्स बनेंगे। एक और चीज, यहाँ पे जो क्लाउड्स बनेंगे वे बनेंगे निम्बोस्ट्रेटस, कौन से क्लाउड बनेंगे, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, और काफी बड़ी मात्रा में रेनफॉल यहाँ पे कोज होगी, बड़ी तेज बारिश होगी इस वाले रीजन में, क्योंकि निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बन रहे हैं, घने काले बादल बन रहे हैं और बड़ी तेज वर्षा यहाँ पे होने लगेगी। तो जो भी हवा ऊपर उठी है, जो उठी है उसी का नाम आप देंगे वार्म एयर, वार्म फ्रंट। अब एक बात बताइए, एक फ्रंट का उद्गम हुआ है ना, एक फ्रंट का उद्गम हुआ है, यानी कि एक फ्रंट बना है, उसका जेनेसिस हुआ है ना, वीकेंड से एक नया फ्रंट बना है, तो इस सारे प्रोसेस को हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज अ फ्रंटोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं, फ्रंटोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसे, लिख कर बताइए एक बार, फ्रंटोजेनेसिस हम इसे बोलेंगे कि नए फ्रंट का जेनेसिस हुआ है, उद्गम हुआ है, तो उसे आप लोग फ्रंटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से कर लो, ये कंसेप्ट आपकी ज्योग्राफी में एक अलग ही टॉपिक दिया हुआ है पूरा, और ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोगों को बड़े आसानी से समझा रही हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। वार्म एयर है,
इधर कूल एयर है, वार्म एयर एक्टिव है, ऊपर उठ गई, कूल एयर स्टेबल है, वो नीचे ही बैठी है, और ट्रॉपिकल रीजन मेनली आपको ये चीज़ मिलेगी, कंसेप्ट मिलेगा। यहाँ भी फ्रंट बनेगा, फ्रंट बनेगा क्योंकि वार्म एयर उठी है, तो वार्म फ्रंट बोलेंगे। निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे और हैवी रेनफॉल आपको मिलेगी, वार्म फ्रंट बोलेंगे इसे, और ये बन जाएगा फ्रंटोजेनेसिस। अब मैं एक लाइन लिख रही हूँ, अब मैं एक लाइन लिख रही हूँ, इन फ्रंटोजेनेसिस वार्म एयर इज एक्टिव एंड कूल एयर मास इज अनस्टेबल। क्या ये लाइन मैंने सही लिख दी? इज इट ट्रू? बताइए भाई। हाँ जी, फ्रंटोजेनेसिस, वेरी गुड। इज इट ट्रू? या एक और लाइन हम लिख दें, इफ वॉर्म एयर डिसेंड एंड कूल एयर राइजेस, कूल एयर राइजेस, इट इज नोन एज वॉर्म एयर फ्रंट, वॉर्म एयर फ्रंट। क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, गलत है, दोनों गलत है। यहाँ पे अनस्टेबल नहीं है, वो चीज स्टेबल है। अब यही वर्ड तो थे आप लोगों को जो गड़बड़ करा देंगे। और अगर वॉर्म एयर डिसेंड कर रही है और कूल एयर राइज कर रही है, उसे वॉर्म एयर नहीं बनते, ये गलत है, पूरा रॉन्ग है ये। ठीक है, चलो, आई होप कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा समझिए, ये है मान लीजिए कूल एयर, कूल एयर, ठीक है, और एक दूसरी तरफ है वॉर्म एयर, ब्लू वाली वॉर्म एयर है और ये वाली ये है। स्पेशली हम इसे मोस्टली एक बोल के चल रहे हैं कि टेम्परेट रीजन की हम लोग बातें कर रहे होंगे, जहाँ पे कूल एयर थोड़ी एक्टिव होती है, एल्टीट्यूड बढ़ गया, तो मेनली हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेट होगा। ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, बस ऐसे मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वॉर्म एयर है, वॉर्म एयर है, वो क्या हो रही है? स्टेबल हो रही है, स्टेबल हो रही है, और ये जो कूल एयर है वो एक्टिव हो रही है। क्या हो रही है? एक्टिव हो रही है। कूल एयर, ठंडी जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठने को तैयार है। अब ये हवाएं क्या करेंगी? जो एक्टिव है, जो अनस्टेबल है, रुकी हुई नहीं है, काम कर रही है, ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, ऐसे उठेंगी, और उठेंगी तो फिर से भाई ये भी तो क्लाउड्स बनाएंगी, हालांकि कम बनाएंगी बट बनाएंगी, क्लाउड्स बनेंगे, वूल लाइक शेप के बनेंगे, वूल जैसे बनेंगे, वूल शेप वाले बनेंगे, आप वूल जैसे दिखेंगे दूर से, वे वाले शेप के बनेंगे। और यहाँ पे जनरेट होगा एक फ्रंट, इस वाली जगह पे जनरेट होगा एक फ्रंट। अब क्योंकि कूल एयर एक्टिव थी तो फ्रंट भी कौन सा बनेगा? कूल फ्रंट, कूल एयर फ्रंट बनेगा, या कोल्ड फ्रंट बनेगा, कुछ भी बोलो आप उसे। और नया फ्रंट बना है तो फ्रंटोजेनेसिस हो रहा है, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं, फ्रंटोजेनेसिस हो रहा है, एक नया फ्रंट बना है। तो जो क्लाउड्स बनेंगे, ध्यान से सुनो, जो क्लाउड्स बनेंगे, अब यहाँ बनेंगे क्यूमो लो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे, यानी कि बारिश होगी, निम्बस क्लाउड तो है, निम्बस क्लाउड तो है, लेकिन क्यूमो निम्बस वाले होंगे कि वूल वाली शेप के होंगे, वूल वाली शेप के होंगे, तो इस समय ये वाली चीज होगी। अरे नहीं, वो स्केयर मैं आपको बोला टेम्परेट रीजन में। अब टेम्परेट रीजन में गर्म हवाएं तो कम होंगी ना, आप ऊपर जा रहे हो, आप लोग ब्रिटेन की तरफ है, वहां आपको ठंड मिल रही है, थोड़ी बहुत तो राइज करेगी करेगी, ज्यादा नहीं करेगी, कुछ तो राइज ऑन करेगी ना, ज्यादा वहां पे आपको ठंड ही पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा राइज नहीं करेगी। अब एक बात ये बताओ, अगर हम लोग हिमालय रीजन में जा रहे हैं, हिमालय जोन में जा रहे हैं, बारिश तो वहां पे भी हो रही है लेकिन कम हो रही है, कम हो रही है बारिश, मतलब हिमालय वाले जोन में हवा तो ऊपर उठ रही है, क्लाउड्स तो वहां पे भी बन रहे हैं। सेम प्रोसेस होता है ब्रिटेन या टेम्परेट वाले रीजन में, कूल एयर वहां पे भी उठेगी बट कम उठेगी कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल में अच्छी खासी बारिश हो रही है इक्वेटर के पास,
और जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपको कम देखने को मिलेगा, और फिर वहाँ पे स्नोफॉल भी हो जाती है, एल्टीट्यूड के साथ थोड़ा बहुत स्नोफॉल का काम भी चलने लगता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कंसेप्ट वो बनेगा जिससे हम लोग कहेंगे कूल एयर एक्टिव हो रही है, और वार्म एयर क्योंकि वहाँ कम है, उसका घर नहीं है, उसका एरिया नहीं है, तो वो थोड़ी स्टेबल होगी, रुक जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, फ्रंट बनेगा, तो वो कूल एयर फ्रंट अपना बनेगा। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट इतना। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, क्लाउड का ध्यान रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन कोल्ड एयर फ्रंट निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। यस और रॉन्ग? रॉन्ग है ये, ऐसे स्टेटमेंट बन जाएगी। निम्बोस्ट्रेटस नहीं बनेंगे, निम्बोस्ट्रेटस नहीं बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस बनेंगे। प्लीज याद इन चीजों को आप लोग रख लेना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपके बनेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बताओ कि हाँ आप लोगों को कवर हो गया। अब इसमें भी देख सकते हो कि जहाँ जहाँ आपको एम टी दिखाई दे रहा है, एम टी दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ एक जैसा सरफेस, एक जैसा आपको एयर मास दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मतलब बीच का है, ट्रॉपिकल रीजन की तरफ है, ये ऊपर की तरफ चले गए तो ये पोल की जोन में आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है, पोल की तरफ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एयर मास है जो अपनी बुक में भी दिया हुआ है। ओके चलो, कम फॉरवर्ड, ये देखो वार्म एयर है, वार्म एयर है, ऊपर की ओर उठी है, वार्म फ्रंट बन गया, ये रहा वार्म फ्रंट बन गया, क्लाउड हो गए, अच्छी खासी बारिश हो गई, निम्बो स्टेटस वाले क्लाउड बन गए, वार्म फ्रंट अपना जनरेट हो गया। अब जब कोल्ड एयर है, हाई डेंसिटी है, यहाँ पे इस तरीके से एरिया बनेगा, ये कोल्ड फ्रंट बन जाएगा, बारिश हो जाएगी लो डेंसिटी वाले एरिया में। लो डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे गर्म हवा कम होगी, उस एरिया में बारिश होने लगेगी, कोल्ड फ्रंट इस तरीके से बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, वॉर्म एयर में फ्रंट बन रहा था, मान लो इधर वॉर्म एयर आ रही है और इधर से कूल एयर आ रही थी, तो वॉर्म एयर फ्रंट बन रहा था कूल एयर की तरफ, ऐसे करके इधर फ्रंट बन रहा है, एक इस लाइन को थोड़ा याद करना, इधर बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इमेज आपने लास्ट देखी होगी तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा, इधर ऐसे बन रहा है, और जब कूल एयर इधर आ रही है और इधर वॉर्म एयर आ रही है, इधर कूल आ रही है और इधर वॉर्म आ रही है, तो फ्रंट बन रहा है, इधर बन रहा है, ऐसे करके, यानी कि दोनों की ही कंडीशन में जो फ्रंट बन रहा है वो कूल एयर की तरफ बन रहा है। यहाँ पे इमेज देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे कूल एयर है तो कूल एयर कोल्ड एयर की तरफ फ्रंट बना बना ना, अगली लाइन में कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर की तरफ इधर भी फ्रंट बना, ठीक है। तो थोड़ा इस तरफ ही फ्रंट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, कोल्ड कोल्ड जो फ्रंट होगा थोड़ा वो कूल एयर की तरफ ही आप लोगों को देखते हुए मिल जाएगा। ओके, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आप लोग याद कर लेना। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को याद करती है, उसके टर्म को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में जनरेट होते हैं, विंड सर्कुलेशन होने की वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। याद रखना, साइक्लोन का मतलब क्या है? साइक्लोन का मतलब जब सारी चीज़ें लो प्रेशर की तरफ आ रही हो। मैंने आपको एक बार और चीज़ बताई थी कि मान लो यहाँ आपके सिर पे कोई बहुत ही भारी चीज़ गिरने वाली है, और एक दूसरी जगह जहाँ आप जा सकते हो वहाँ पे कोई हल्की चीज़ गिरने वाली है, तो ऑब्वियसली आप भारी की बजाय आप इसकी तरफ जाएंगे, यानी कि लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, ठीक है। लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं आएंगी तो वो सर्कुलेट करेंगी, यानी कि लो प्रेशर ही होगा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, जब हवाएं उसी के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलेट करेंगे, पास में हाई प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, आया था कि सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग जो टेम्परेचर होता है आई के ऑफ आई जनरली
10 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेस होता है, समथिंग कुछ ऐसे था, लेकिन वो गलत था क्योंकि 10 डिग्री तो होता ही नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे होता है। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी साइक्लोन आते तो हर जगह, हम लोग बस नाम अलग अलग दे रहे हैं। साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं तो टाइफून्स आ रहे हैं पैसिफिक ओशन नियर चाइना की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रहे हैं तो उसे हम लोग विली विली बोल रहे हैं, विली विली बोल रहे हैं, और अपने पैसिफिक में की तरफ या मेडिटेरियन की तरफ आ रहे हैं तो वी आर कॉलिंग इट एज अ हरिकेन, हम उन्हें नाम दे रहे हैं। ठीक है ना बात, तो वो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब कंडीशन क्या है, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, कोरियोलिस की ज़रूरत होनी चाहिए, अगर कोरियोलिस नहीं होगी तो वो घूमेगी ही नहीं, हवाएं घूमेंगी नहीं अगर कोरियोलिस नहीं होगी, इसलिए इक्वेटर पे तो बना ही नहीं करते हैं। नो साइक्लोन विल बी फॉर्म एट द इक्वेटर बिकॉज देर इज नो कोरियोलिस फोर्स, फाइन। तो कोरियोलिस आपकी मिलेगी थोड़ी नॉर्थ की तरफ जाएंगी, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशन मिलेगी, वेरिएशन मतलब ऐसे करके सर्कुलेशन विंड का मिलेगा, यानी कि नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, ऐसे ही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होगा, यानी कि सबसे पहले वाली जगह पे लो प्रेशर जनरेट होगा, या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी आप उसे बोल सकते हो। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल के ऊपर आपको काफ़ी डाइवर्जेंस विंड्स का देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेशन या इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में साइक्लोन डिपेंड करता है वाटर वेपर के ट्रांसफर होने से, या हीट जो है वार्म ओशियन से एयर की तरफ जाने पे। अब जो हवाएं समुंदर में चलती हैं तो वो पानी कैरी करके लेकर आएंगी, क्लाउड्स बनाएंगी, इवोपरेट हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड बनते ही जाएंगे। ठीक है, मेच्योर स्टेज कौन सी होती है, जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म तूफान आते हैं उसके पहले, पहले तूफान आएंगे फिर अपनी बारिश अच्छे से होगी, एयर राइज करेगी, वो तूफान में क्या होती है हवा जो है ऊपर की तरफ काफ़ी राइज करती है, थंडर स्टॉर्म वगैरह बनेंगे, तब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे आई है, ये आई है बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हवा ऐसे सर्कुलेट कर रही है, करने दो कोई बात नहीं, रेन आ रही है। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ निकल रही है, आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है, हवाओं का आउटफ्लो मिल रहा है, और ये ट्रोपोपोज वाली में नहीं, नीचे अपने एटमॉस्फेयर में ही हो जाता है, वार्म एयर नीचे की तरफ जाएगी, वार्म एयर हो जाएगी नीचे सबसाइड करेगी, और जब वो कूल एयर हो जाएगी तो वो बाहर की तरफ निकलने लगेगी, जो साइडों में से वो बाहर की तरफ निकलेगी, याद करो साइडों में से बाहर की तरफ निकलेगी, उन्हें हम एक लाइन बोलेंगे आई वोल, क्या बोलेंगे आई वोल हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पे या तो क्यूमुलस क्लाउड बनेंगे या निम्बस क्लाउड बनेंगे, दो तरीके के क्लाउड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ आई घूमे जा रही है, इधर भी आउटफ्लो हो रहा है आई फोल का, इधर हो रहा है, लेकिन वॉर्म एयर ऊपर से नीचे सबसाइड कर रही है, नीचे की तरफ वो आ रही है। ठीक है, चलिए अब हाँ, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गई, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से मई के दौरान आता है, इधर टाइफूनस वगैरह, इधर ये सब चीज़ें हरिकेन्स और वो अलग अलग चीज़ें। अब बताइए भाई अपना, हमने सारा कंसेप्ट कर ली, सारी जीसी लियोंग पूरी हो गई, इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कंप्लीट जीसी लियोंग यू कैन आस्क मी नाउ, बताइए एनी वन हैव एनी डाउट। क्लियर है क्या चीजें, क्लियर है? तो हवाएं कुछ अपने अलग अलग एयर मास पे ऐसे ही घूमती रहती है, ये एक अलग एयर मास हो गया, सीपी अलग एयर मास हो गया, एमपी का पैसिफिक ओशन की तरफ जाते हुए अलग हो गया, ऐसे कर करके अपने अलग अलग एयर मास आपको देखने को मिलते हैं, और ज्यादा एयर मास आपको ट्रॉप इक्वेटर के जोन में मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ पे ज्यादा एयर राइज करेगी और बढ़िया से आपकी हवा राइज करके साइक्लोन बनेंगे, मॉनसून भी आएंगे। ओके चलो, आप लोगों के लिए छोटी सी अपडेट कि जीसी लियोंग करेंगे तो आप लोग स्टडी आइस पे कंप्लीट हो गई है आज, और पूरी बिल्कुल जिस स्टूडेंट को एनसीईआरटी भी नहीं करी है, एनसीईआरटी के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन करो अनअकैडमी पर, 12 PM अपनी क्लास हो रही है, और दो और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, गाइज लिसन केयरफुली,
इन सारे क्वेश्चंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करिए, आप भी जाकर फॉलो कर लेना। एंड 12 PM अपनी क्लास हो रही है ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। कल भी सेम टाइम पे क्लास रहेगी, आप लोग देखो, फिर हम मिलते हैं, ठीक है? कोई डाउट है आप लोग यहाँ से पढ़ें, आपको PDF जस्ट अभी मिल जाएगी, अभी मैं दे देती हूँ टेलीग्राम पे, और स्टडी आइस पे मिलेगी और अनअकैडमी अंकिता जिंदल पे आपको मिल जाएगी। नाउ इट्स योर टर्न स्टार्ट। लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स को लिखकर उसे बहुत सारे बना दीजिए, ठीक है? बहुत सारे कमेंट्स, आई नीड योर कमेंट्स कि आप लोग लिखें, बताएं कि जी सी लोग समझ में आए कि नहीं आए, तो बहुत सारे लिख के बताइए।